अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। वो उस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलेबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। आपके साथ सिपाहियों की अच्छी तादाद है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखिएगा। मालूम ही है दुश्मन हर जगह मौजूद है। ये इसे क्या हो गया? जहर खा लिया इसने। कहां से आया जहर इसके पास? ये बच्चा कोई आम तुर्क बच्चा नहीं है आली मकाम, ये सलजुक का शहजादा है। पहले जाकर अपने खुदावंद का फर्ज अदा करो, फिर अर्तुरुल तुम्हारा इनाम है। जैसे चाहो उसकी तवाजो करो। जब तक बाबा को होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कहूंगा कुर्तुगलो, लेकिन जिस दिन आंखें खोल दी बाबा ने, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरी नजरों से नहीं छुपा पाएगी, चाहे आसमान के सितारे ही क्यों ना मांग पड़ जाए। नासिर के बारे में अल अजीज को आगाह करना है, क्योंकि ये मामला संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। सब्र करो मेरी जान, सब्र करो। बुलबुल से कह दो शोर ना मचाए गुलिस्तां में, सब्र करें। अस्मा, इधर देखो मेरी तरफ, इन हसीन आंखों में और इन लबों पर इस खामोशी की क्या वजह है? मैं अपनी हुदूद जानती हूं, इसलिए खामोश हूं मेरे आका। अस्मा, बताओ हमें, शहाबुद्दीन क्या मतलब? शहाबुद्दीन, उन्होंने तुमसे कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके लिए एक मुलाजमा से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखती मैं। वो मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझे खौफ आता है कि मैं उनके भरोसे के बोझ तले दब ना जाऊं। मुझ पे बहुत यकीन है उन्हें, अपने हर पोशीदा राज को मेरे सामने बयान कर देते हैं। वो उन्होंने इस बार भी मुझे भरोसे के लायक समझा। कैदी का खाना मैं ही लेकर जाती हूं, उस दिन को मैं कैसे भूल जाऊं? उस कैदी ने कैसे सिसक सिसक कर हमारे सामने जान दे दी। मेरे आका, सहर दिया गया है उसे। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया अस्मा? खौफ, नहीं बता पाई खौफ की वजह से। तुम्हें किसका खौफ है अस्मा? शहाबुद्दीन, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है, लेकिन खाना ले जाना तो मेरी जिम्मेदारी थी ना। अगर मेरा नाम आया तो उनके सामने मेरा यकीन कौन करेगा? बस करो। मेरे आका, मैं जानती हूं कि वो मुजरिम था, मगर उसको इस तरह क्यों मारा गया और मुझे क्यों फंसाया गया?
मैंने तो आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी मेरे आका। मेरा दिल कैसा है जानते हैं आप तो, मेरा यकीन करें मेरे आका। रो मत। बेफिक्र रहो, सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया है मेरी चांद का टुकड़ा, सुनती है कहानी मेरी परियों की रानी। निंदिया रानी तू इसको सुला दे, सपनों की नगरी की इसको सैर करा दे। ले 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 बिल्लाह मैंने शैतान रजीम। सब खैरियत है बेटा, परेशान ना हो आप, खैरियत है। सुलेमान शाह भी आपका नाम ले रहे थे। सुलेमान, सुलेमान, मैं आपके पास ही हूँ। कुछ और भी कहा था क्या इन्होंने? नहीं हैमा खानम, बस आपका नाम लिया था। मेरी बच्ची, तुमने हक अदा कर दिया, बहुत खिदमत की है तुमने हमारी। अपनी बहन को इस हाल में छोड़कर हमारे साथ आ गई, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं हैमा खानम? सुलेमान शाह भी तो मेरे बाबा की तरह हैं। हम दोनों बहनें मकरूज हैं आप लोगों की, और मैं इनकी होने वाली बहू भी तो हूँ, इनको बाबा ही समझती हूँ। आप दोनों की मोहब्बत तो मिसाली है। इंशाल्लाह अर्तुरुल और मैं भी ऐसे ही साथ रहेंगे हमेशा। मुझे अर्तुरुल के लिए चुना आपने, इस बात पे मुझे बहुत नाज है। खुशकिस्मती है मेरी। गोपची, जाओ आराम कर लो, तुम थक गई होगी, काफी देर से जाग रही हो। माफ कीजिएगा हैमा खानम, पता नहीं क्या क्या कह गई मैं। बस दरअसल मैं गोगचे, मेरी बच्ची, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो मिलेगा। दुआ करो सब ठीक हो जाए। जाओ शाबाश, आराम कर लो, जाकर जाओ मेरी बेटी। डरो मत शहजादे,
तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए कि तुम तो हमारे शाही मेहमान हो। छोड़ दो तुर्कुत भाई को। शहजादों पर अपने गुलामों के लिए फिक्रमंद होना बिल्कुल जेब नहीं देता। शहजादे तो सिर्फ अपने मकसद को अव्वलियत देते हैं बस। अगर मारना ही है मुझे तो एक ही बार में क्यों नहीं मार देते? तुम्हारी ख्वाहिश इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती। याद है ना मैंने कहा था कि मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत नहीं मिलेगी जब तक मैं ना चाहूं। मौत और जिंदगी सिर्फ मेरा रब देता है, तुम मुझे खौफ ज्यादा नहीं कर सकते। बाज दफा इंसान अपनी परवाह ना भी करे फिर भी अपने प्यारों की सलामती और उनकी जिंदगी के लिए खौफ ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्या ख्याल है जीवानी? मेरे बच्चे, अपनी बहादुरी के जोर पर मत रहो। ये जगह ताकत का नहीं बल्कि बर्दाश्त का इम्तिहान है। तुम्हारी सिर्फ अल्लाह मदद कर सकता है। ऐ मेरे रब, मदद करने वाला सिर्फ तू ही है। जब लाचारी महसूस करो तो उस घड़ी अपने रब को याद कर लेना, बेशक वही है जो हर शय पर कादिर है। वही सबको रिस्क देने वाला है। किसी और के सहारे की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम कैद में नहीं, तुम ये समझो कि तुम मदरसा अल यूसुफिया में हो। अगर तुमने अभी यकीन खो दिया तो फिर याद रखना, तुम अपने खुदा को भी खो दोगे। जीवानी को तो ना तोड़ सका मैं, लेकिन इस तुर्क को मैं जरूर शिकस्त दूंगा। आपके ख्याल में यह तुर्क कितना वक्त लेगा उस्ताद आजम? इस किताब में जो लिखा है उसके मुताबिक 40 रोज से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और फिर क्या होगा? आपकी आमद की खबर ही नहीं हुई कार्डिनल थॉमस? मलकुल मौत की तरह अचानक ही नमूदार हो जाते हैं। हमारे मेहमान कैसे हैं? मेहमान खाने में आराम फरमा रहे हैं वो। जिंदान में डालकर उन्हें तोड़ लोगे, तुम्हें यकीन है इस बात का? मुझे हैरत होती है तुम पे पेट्रोशियो। मोहतरम थॉमस, मैं कभी भी आपके मामलात में दखलअंदाजी नहीं करता और आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं मैं। जैसे तुम चाहो, मैं तो पापा आजम को तुम्हारे हक में सलीबी जंग के लिए कायल कर रहा हूं। इब्नुल अरबी से बहुत जल्द वो संदूक और उसमें मौजूद मुकद्दस अमानतें खुदावंद की मदद से हासिल कर लूंगा। अपना मकसद हर हाल में पूरा करूंगा और ये काम टाइटस जैसा कम अकल प्यादा नहीं बल्कि वो शख्स अंजाम देगा जो खुद को तुर्क समझता है, मगर उसको एक नई पहचान मैं दूंगा। कैसे करोगे तुम ये? एक कदीम ईसाई नुस्खे के जरिए।
हमें जल्द ही अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। शहाबुद्दीन अलजीज की नजरों में अपना मकाम खो चुका है। बहुत जल्द हलब शहाबुद्दीन को एक सलेबी गद्दार के तौर पर याद रखेगा और मैं अलजीज के और भी करीब हो जाऊंगा। उनका एतमाद हासिल करके उन्हें मुकम्मल अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगा। और वो अर्तुरुल यानी वो काई कबीले की जमीन वाला मामला, वो आज हल हो जाएगा? बताओ मुझे। आप मुतमईन रहे, अलजीजा मेरे इशारों पर चलने वाली कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। राव अर्तुरुल, वो महल से बिल्कुल नाकाम लौटेगा, बेफिक्र रहे। नहीं मेरे दोस्त, यहां तुम गलत हो। अर्तुरुल को अपनी नाकामी का एहसास तब होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने क्या खोया है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لن يا الله शुक्र है खुदा का तुम्हें होश आ गया। बाबा बाबा ये गिद्ध कहाँ है? बाबा ये गिद्ध को कुछ हो गया है क्या? कहाँ है मेरा भाई? नहीं उसे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल महफूज है वो। तुम परेशान मत हो, एहतियात करो वरना जख्म बिगड़ जाएगा। हम कहाँ हैं बाबा? हलब में हम बेटा, और बिल्कुल महफूज हैं। बाबा ये गिद्ध को बुलाए मेरे पास, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। तुम उसे कल देख लेना मेरी बच्ची, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, कुछ देर सो जाओ तुम। या अल्लाह मेरी बच्ची को जल्द सेहत दे दे और मेरे बच्चे ये गिद्ध को जल्द हमसे मिलवा दे। कनीस का बयान बिल्कुल दुरुस्त है, उस आदमी को जहर देकर ही मारा गया है सुल्तान मौसम। सारा जानवरों को तलफ नहीं किया था? कर दिया था, लेकिन मसला यह है कि इस बच्चे ने अपने मेमने को हमसे छुपा लिया था। या अल्लाह, कल कबीले की रवानगी है, इस सूरत हाल में क्या करें? बदकिस्मती से ये लोग सफर करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इनके पास जिंदगी के चंद ही दिन है। तो क्या इनको यहीं छोड़ना होगा? मैं इनके पास ही रुक जाऊंगी, जानती हूं उनका इलाज मुमकिन नहीं, मगर इनकी खिदमत करके इनके लिए आसानी तो पैदा की जा सकती है। अक्का कोजा, कुछ लोग हिजरत के खिलाफ हैं, मुझे उनको समझाना होगा कि अगर वो यहां रुक गए तो इस तबाही में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा, किसी ना किसी तरह उन्हें राजी करना होगा।
दुआ कीजिएगा अल्लाह हिफाजत करे। अमीरा लजीज, काई कबीले के लिए नई सरजमीन का शुक्रिया। सुलेमान शाह ने सलाम भेजा है। कुछ इतलात मिली है तुम्हारे कबीले के मुताल्लिक अर्तुरुल, क्या तुम उसकी वजाहत देना पसंद करोगे? आपके मुशीर शहाबुद्दीन से गुफ्तगू हुई है, वो तमाम इतलात एक साजिश है। हमारे इत्तेहाद से खौफजदा सलीबी कुवतों की वबा फैलाने की कोशिश हमने नाकाम बना दी थी। ये उन्हीं लोगों की कारिस्तानी है, वो चाहते हैं कि वबा की यह झूठी अफवाहें असर कर जाए। गलत बयानी कर रहे हो तुम अर्तुरुल। जिन्हें आप सरहद के पार समझ रहे हैं वो दुश्मन आपके इसी महल में डेरे डाले हुए हैं, लेकिन आपको खबर नहीं। सुल्तान मुअज्जम, तुम यहां क्या कर रहे हो? नासिर, सुल्तान मुअज्जम कहां है? मुहाफिजो, तुम्हारी ये जरूरत, फौरन अलअजीज को खबर करो। सबर करो शहाबुद्दीन, तुमसे अमीर अली कदर जाती तौर पर तफ्तीश करेंगे। तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कुर्दोगलू कहां है? नहीं मालूम कि वो कहां गए हैं। हाँ, मुझे हुक्म दिया था उन्होंने कि रवानगी के लिए सामान बांध लूं। कह रहे थे कि उनको एक आम काम निपटाना है। कारवां में शामिल हो जाएंगे बाद में। कारवां में शामिल हो जाएंगे? इसका मतलब है कुर्दुगलू हमारे साथ चल रहा है। बताओ अलपरगु, क्योंकि मुझे मालूम है कुर्दुगलू का हर मामला तुम्हारे इल्म में होता है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, वो सुलेमान शाह के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन पूरी बात नहीं बताई मुझे। सफर की वजह से काफी बेआराम है मेरे सरदार। दुरुस्त कहा आपने दमीर भाई, अच्छा किया यहाँ कायम कर लिया।
मवेशियों को भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अल्लाह सेहत दे इनको, हलब खैर व आफियत से पहुंच जाए इंशाल्लाह। सुलेमान, सुलेमान, खुदा का शुक्र है कि आपको होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो बच्चों, थोड़ा पीछे हट जाओ, हवा आने दो सरदार को। जवाब दो मुझे, क्यों नहीं आ रहे सुल्तान मुअज्जम? मुझे इल्म नहीं कि अमीर अली कदर कब तशरीफ लाएंगे यहां। मैंने तो बहुत कहा कि शहाबुद्दीन से मिल लीजिए, वो मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन उन्होंने हुक्म दिया है कि किसी भी किस्म की नाइंसाफी ना की जाए आपके साथ, और यह जिम्मेदारी उन्होंने मुझ खाकसार को सौंपी है। तुम जा सकते हो नासिर। या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। तू जुल्म नहीं करता किसी पर भी, जालिम को नीस तो नाबूद कर दे, दुश्मन मुझे मार भी दें फिर भी तेरा नाम हमेशा ऊंचा रहने वाला है। जर्रार और तरुण साहब, आपके लिए पैगाम है मेरे पास।
टाइटस ने कहलवाया है कि शाहीन पिंजरे में है, अब तुम्हारी बारी है। बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें? किसके आदमी हो तुम? बताओ बताओ, मेरा आदमी कहाँ है? बोलो बोलो, शहजादा कहाँ है बताओ मुझे। हमजा, कारवां की हिफाजत पे मामूर सिपाही तैयार है? तैयार है भाई। इलियास फकीह, इस वबा से जो खानदान मुतासिर हुए हैं उनसे मुलाकात क्या कर ली है आपने? जी भाई, कर ली है। मैंने अपनी तरफ से तसल्ली भी दी है उन्हें। अल्लाह ताला किसी को भी औलाद की आजमाइश में ना डाले। दुआ है कि सबको सब्र जमील अदा करे। आमीन। अक्का कोजा, ये मर्ज इनके अलावा तो किसी और को नहीं लगा ना? जनाब, सिर्फ देखने से इस मर्ज की तशखीस मुमकिन नहीं है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अंदाजे के मुताबिक तो किसी को नहीं लगी है ये वबा। अगर मुनासिब हो तो बाकी लोगों को रवाना कर दिया जाए तो बेहतर होगा। मुनासिब राय है आपकी, बहुत मुनासिब है। हमें इस वक्त अपनी औलाद की खातिर और उनके मुस्तकबिल की खातिर कूच करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी थी जो तुमने मुझे यहां बुलाया है? मुझे इल्म है, सुलेमान शाह को मारने में कुर्तुगुलू नाकाम रहा। परेशान मत हो सलजान, तुम कामयाब होगी। अपने बाप का
बहुत जल्द बदला लेकर रहोगी। सुलेमान शाह की मौत तुम्हारे हाथ ही लिखी है, लेकिन उससे पहले अपने आप को मुसीबत से महफूज कर लो। कैसी मुसीबत? वबा। पूरा कबीला इसकी लपेट में आने वाला है। खुद को और अपने होने वाले बच्चे को बचा लो इससे। बीमारी से बचने के लिए कितना कुछ तो कर लिया, जानवर जलाती है, वबा फिर भी खत्म नहीं हुई। ऐसे खत्म नहीं होगी, अभी तो ये बहुत सी जाने लेगी। इसका कोई तो इलाज होगा, क्या इससे छुटकारा मुमकिन नहीं हो सकता? मेरे पास है इलाज। ये पियोगी तो बच जाओगी। ये पीने से तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा महफूज हो जाएगा। खैरियत, तुम यहां कैसे आ गए कुर्दोगलो? अपने भाई की जिंदगी के लिए खतरा महसूस किया तो फौरन इरादा कर लिया। शुक्र है बर वक्त पहुंच गया। शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इल्हाम तो नहीं होता तुम्हें कुर्दोगलो? कैसे अंदाजा हो गया तुम्हें कि सुलेमान की जिंदगी को खतरा है और तुम चले आए? हायमा खानम, ये बुजुर्ग खबीस मेरे खेमे में आया था, अपने बाप के कातिल का पूछ रहा था। गुंडोगदो ने जिरगे में बायबोरा के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाया था। ये नाहिंजार इस इल्जाम को सच समझ बैठा और मेरी गर्दन पर खंजर रख दिया। मैंने सोचा बाप का गम ताजा है और ये हमारे कबीले का बच्चा है, जब गम हल्का होगा तो खुद ही नादान संभल जाएगा। मगर फिर गुंडोगदो ने हमें बताया कि सरदार का खेमा चीर कर कोई दाखिल हुआ था और उन पर हमले की नियत रखता था। तो मुझे फौरन इस खबीस का ख्याल आया कि ये दोबारा जोश में ना आ जाए, और दिल बेचैन हो गया मेरा। बस घोड़े को एड़ लगाई और फौरन यहां पहुंच गया। दो दिन में कबीले को क्या हो गया? गद्दारों ने सर उठा लिया है, लश्कर बिखर गए हैं, सब हाथ से निकल रहा है। पूरी रात पलक तक नहीं झपकी आपने, आपको मेरी कही बात का सदमा हुआ है ना? ऐसी बात नहीं है मेरी जान, बल्कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं, दोस्त और दुश्मन का फर्क बताया है। मैंने एक अरसा उनकी खिदमत की है, वो एक बेहतरीन इंसान है, कभी उनमें कोई खामी नजर नहीं आई। लेकिन इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं कि कोताही करने पर सजा ना मिले। बेशक शहाबुद्दीन तुगरुल ने बतौर वजीर आजम सल्तनत की बहुत खिदमत की है, लेकिन इसका हर किसी यह मतलब नहीं कि उनकी तरफ से आंखें बंद कर ली जाए। मैं जिम्मेदार हूं इस अंजाम की, मैंने आगाह किया था इस हकीकत से आपको मेरे आका। शहाबुद्दीन तुगरुल को अपने किए की सजा हर हाल में भुगतनी पड़ेगी,
दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश करने वाले का सर कलम करके उसे चौक पर लटकाकर इबरत का निशान बना दिया जाएगा, यह फरमान जारी हो चुका है। मुझसे मिलवाने के लिए एक शख्स को ढूंढ कर लाना है तुम्हें। उसका नाम है अर्तुरुल। जान दे सकती हो मेरे लिए तो उम्र भर का साथ क्यों नहीं निभा सकती? एक खुफिया रास्ता निकलता है जिंदान तक। हम वहां से जाएंगे और वो रास्ता वजीर आजम ने ही मुझे दिखाया था।